ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाब के धुरी शहर के श्रद्धालुओं की एक अद्भुत यात्रा देखने को मिली। पंजाब के धुरी से श्रद्धालुओं का एक जत्था लगभग 180 किलोमीटर सिर्फ पेट के बल पूरा करके 3 दिन के बाद मंदिर पहुंचा है। हालांकि ये श्रद्धालु हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में दंडवत यात्रा करते थे और माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचते हैं, और श्रद्धालुओं का कहना है कि ये यात्रा पंडित सोहनलाल की प्रेरणा के द्वारा हर वर्ष की जाती है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाब की धूरी शहर के श्रद्धालुओं की एक अद्भुत यात्रा देखने को मिली। पंजाब के धूरी से श्रद्धालुओं का एक जत्था लगभग 180 किलोमीटर का सफर पेट के बल पूरा करके 3 दिन के बाद मंदिर पहुंचा है। हालांकि ये श्रद्धालु हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में दंडवत यात्रा करते हुए माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंचते थे, और इन श्रद्धालुओं का कहना है कि ये यात्रा पंडित सोहनलाल की प्रेरणा के द्वारा हर वर्ष की जाती है, जिसमें वृद्ध, युवा और बच्चे हर प्रकार के श्रद्धालु शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान यात्रियों का कहना था कि ये उनकी 20वीं यात्रा है और पंजाब के धूरी से हर वर्ष 186 किलोमीटर का सफर पेट के बल तय कर वे माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए थे और पैरों पर पट्टियां भी बंधी थी, फिर भी श्रद्धालुओं के माथे पर थकान की कोई भी लकीर देखने को नहीं मिली। हर वर्ष पितृपक्ष में ये यात्रा करते हैं ताकि माता रानी की कृपा से उन पर बनी रहे और उनके पितर भी प्रसन्न रहें। उनका कहना है कि माता रानी ही इस तरह की कठिन यात्राओं को करने की प्रेरणा देती है और आगे भी यात्रा जारी रहेगी। ये बीमी खंड नड़ौसा जी धूरी शहर तो चल के आई है जी, 180 किलोमीटर है। तो सारे मतलब के भगत अपनी अपनी डनौट करके आते हैं, पेट से लेट के पैरों के छाले भी पै जाते हैं। महामाई की कृपा के नाल पितरां ते महामाई की आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते यात्रा की जाती है। तो यह यात्रा धूरी शहर तो सोहन लाल पंडित जी की अगवाई चल के प्रेरणा सदका माता नैना देवी दे मंदिर ते पहुँचती है। 3 दिन के 180 किलोमीटर का रास्ता तय करके भगत माता दे डंडौत करके पैदल पहुँचते हैं। तो भगत की माता की कृपा नाल भगतों के बहुत साले बहुत प्रसाद मिलता है। सारे मनोकामना पूर्ण करने वाली माता के चरणों में आके अरदास करते हैं। ये माता सारे ते मेहर भरिया हथ रखी।